वेट कैसे बढ़ाएं? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो आप मुझसे बार बार पूछते हो और इसीलिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनको अगर आप आजमाते हो तो बहुत ही कम समय में आपका वेट बढ़ जाएगा। और ये जो आपका वेट बढ़ेगा, ये आपका मसल मास के रूप में बढ़ेगा, मतलब आपका वो फैट के रूप में नहीं बढ़ेगा, मसल मास के रूप में अगर आप अपना वेट बढ़ाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा कारगर होता है और वो लंबे समय तक आपके लिए अच्छा होता है। तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं टिप्स पे। जो मेरी पहली टिप है वो ये है कि आपको अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी होगी। देखिए क्या होता है, अगर आप अपने फूड में फैट की मात्रा बढ़ाते हो तो आपकी बॉडी में भी फैट की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाते हो, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हो, तो ये आपका एक अच्छा वाला जो वेट गेन है वो कराती है। आप कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, बनाना खाते हैं, ये सारी चीजों में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है। नहीं तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, तो वो आप लोग खाना शुरू कर दो जो जो फूड्स में बताए हैं, तो आपका वेट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। उसके बाद आते हैं टिप नंबर टू पे, जो कि आप लोगों को बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों को भूख नहीं लगती है। देखो, अगर आप लोगों को भूख नहीं लगती है तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। आप लोग जब सुबह उठो तो अगर आप लोग आंवला जूस ले सकते हो या फिर आप लोग आंवला खा सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आंवला जूस क्या करता है, आपका जो भूख है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपको जब ज्यादा भूख लगने लगेगी तो आप अपने आप ज्यादा खाओगे और आपका कम समय में ही जल्दी से वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, जो कि है टेक मोर मील्स। देखिए क्या होता है कि जब हम वजन बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम एक बार में ज्यादा खाना खाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक बार में ज्यादा खाना खाओगे लेकिन आपकी बॉडी की क्षमता उतनी नहीं है, तो आपने जो एक्स्ट्रा फूड खाया है वो हमारी बॉडी उसको वेस्ट के रूप में निकाल देती है और हमारा वेट नहीं बढ़ पाता है। क्या करना है आपको, आपको एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार खाना खाना है, मतलब आपको अलग अलग टाइम पे 3 से 4 घंटे के गैप में और कम से कम 4 से 5 बार मील्स लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जब आप एक बार में कम कम करके और काफी बार खाना खाओगे तो आपके जो आप खाओगे वो आपके पूरे शरीर को लगेगा, क्योंकि खाना खाना जरूरी नहीं है, आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर में लगना जरूरी है, तभी आपका सही से वेट बढ़ पाएगा। उसके बाद आते हैं अपनी अगली टिप पे, जो कि है डू नॉट ईट फास्ट फूड। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि फास्ट फूड खाने से क्या होता है, हमारा वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन फास्ट फूड खाने में प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको फैट ज्यादा देता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फास्ट फूड खा के वेट बढ़ा सकते हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा के वेट बढ़ाने में, लेकिन अगर आप फास्ट फूड खा के वेट बढ़ाओगे जल्दी तो बढ़ेगा, लेकिन वो वेट आपकी बॉडी को डैमेज ज्यादा करेगा। तो ये कोशिश करो कि फास्ट फूड कम खाओ, क्योंकि फास्ट फूड ज्यादा खाने से एक चीज और होती है कि हमारे जो भूख है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए फास्ट फूड आप लोग ना खाएं तो वही आपके लिए अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाएं, जैसे मैंने आपको बताया घर में बनी हुई रोटी और चावल, अगर आप लोग थोड़ी सी मात्रा इन चीजों की बढ़ा देते हैं तो आपका वेट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि एक मैं आपको रेसिपी बताऊंगा या एक मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसको आप अपने फूड को बना के और खा सकते हो, जिससे आपका वेट तेजी से बढ़ता है। आप लोग क्या कर सकते हो, एक ग्लास दूध ले सकते हो, उस दूध में आपको डालने हैं 2 बनाना, ठीक है, उसके साथ में आपको डालना है थोड़ा सा मक्खन, जो हम लोग बटर यूज करते हैं। ये तीनों चीज अगर आप लोग मिला के खाते हो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपको अच्छा फैट भी मिलेगा, साथ में आप लोग को हाई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो कि आपका वेट बहुत ही कम समय में जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब आप लोग सुबह उठो तो मैंने पहले ही बताया कि आप लोग आंवला या आंवला का जूस ले सकते हो थोड़ा सा, उसके 2 घंटे बाद अगर आप लोग जो मैंने ये बताया दूध में केला और थोड़ा सा मक्खन डाल के अगर आप लोग खाते हो तो आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में, केवल 30 दिन के अंदर में आपका वजन काफी बढ़ जाएगा। तो ये टिप्स आप लोग जरूर अपनाना और मुझे कमेंट में बताना कि आपके ऊपर क्या रिजल्ट्स आए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।